सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। जैसा कि हमने पहले देखा चंद्रयान 3 में हमने जो चेस्ट पेलोड लैंडर पे था उसके कुछ फाइंडिंग्स आए थे टेम्परेचर रिलेटेड कि -10 से लेके +50 डिग्री तक टेम्परेचर देखा गया अलग अलग 10 सेंसरों द्वारा सरफेस से लेके अंदर तक। उसी तरह जो एक दूसरा पेलोड अभी जो रोवर पे है, रोवर पे दो पेलोड है, एक एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ और दूसरा लेज़र इंड्यूस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो लिब्स करके जो लियोस लेबोरेटरी है हमारी बेंगलोर में उसके द्वारा बनाया गया, तो उसके जो इनिशियल फाइंडिंग्स बाहर आए हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.